हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली ये टॉपिक पूरा का पूरा ऐसे ही उठ के आ जाता है आपके पेपर में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स, ठीक है, या इंडिविजुअल कोई एक टेक्निक आपसे डिस्कस कर ली जाएगी। तो अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, जो हमारी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि अब ये कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग कुछ टेक्निक दे रखी होंगी, वो सारी की सारी टेक्निक्स हमें डिस्कस करनी है। तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जो टेक्निक्स होती हैं, वो हमें अलाउ करती हैं एज ए यूजर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल एनवायरमेंट विच दे आर अटेम्प्टिंग टू मॉडल। ठीक, अब देखते हैं हमारे नोट्सों में क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, जिसको हम शॉर्ट में OMT के नाम से जाते हैं, इज अ मेथड यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ मॉडल एंड डिजाइन सिस्टम। इट फोकस ऑन रिप्रेजेंटिंग सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्ट विद वन एनदर। कुल मिला के क्या होता है ये, एक तरीके से एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा एक तरीके से आप यूजर इंटरफेस कह सकते हैं, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो सारी की सारी चीजें इन टेक्निकों के अंदर डिस्कस की जाती हैं। ठीक, व्हेन डिस्कसिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ मॉडल आर कॉमनली यूज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक, तो उन तीनों प्रकार के मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। कि पहला आपका मॉडल आता है ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, पहला मॉडल है ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम स्टैटिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, देयर एट्रीब्यूट, मेथड एंड रिलेशनशिप। कुल मिला के क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉडल आपका स्टैटिक मॉडल होता है, ये फोकस करता है आपके ऑब्जेक्ट, उसके एट्रीब्यूट और कौन कौन से मेथड यानी कि फंक्शंस उसके अंदर यूज हो रहे हैं, और उन ऑब्जेक्टों के बीच के रिलेशनशिप्स, के मेथड्स वगैरह ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशनशिप्स, इन सबको डिटरमाइन करना किसका काम रहता है, ऑब्जेक्ट मॉडल का रहता है। किसके अंदर, ऑब्जेक्ट मॉडल टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, क्लासेस किस किस पे फोकस करते हैं, तो क्लासेस, क्लासेस क्या होती हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट एंड मेथड, ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस ऑफ क्लास विद स्पेसिफिक डेटा, रिलेशनशिप, हाउ ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट और आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, कैसे कोई ऑब्जेक्ट किस दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है या उससे रिलेट कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, ये भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको भी आगे डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, मेनली जो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, जो डायग्राम डिस्कस किए जाते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, वो हम क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको बताऊं क्या होता है ये ऑब्जेक्ट मॉडल। एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर द ऑब्जेक्ट मॉडल विल डिफाइन क्लासेस सच एज बुक, मेंबर एंड लोन, देयर एट्रीब्यूट, टाइटल, नेम, ड्यू डेट एंड देयर रिलेशनशिप लाइक मेंबर बोरो ए बुक। कुल मिला के क्या, एक आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इस सिस्टम के अंदर जो आपको ऑब्जेक्ट मॉडल है जो डिफाइन करेगा क्लासेस को, क्लासेस कौन कौन से हो सकती हैं, किताबें, किताब जितनी सारी लाइब्रेरी के अंदर किताब है उन सब की क्लास हो सकती है, मेंबर्स कितने हैं वो सब भी एक क्लास हो सकती है, किस किस मतलब लोन्स की कैटेगरी की एक तरीके से कैटेगरीज वाइज बुक्स के लिए पेमेंट डिसाइड कर रखी हो लाइब्रेरियन ने उसके अकॉर्डिंग। ठीक, उनके एट्रीब्यूट जैसे किताब का टाइटल, नेम, ड्यू डेट कब तक ले रखी है आपने किताब, उनकी रिलेशनशिप किस व्यक्ति ने कौन सी बुक को बोरो किया है लाइब्रेरी से। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स कौन बताएगा आपको, ऑब्जेक्ट मॉडल बताएगा। ठीक, जो मेनली इसके अंदर जो यूज होते हैं वो क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम यूज होते हैं। ठीक, अब सेकंड जो आपका मॉडल है वो है डायनेमिक मॉडल। ठीक, तो डायनेमिक मॉडल क्या है, दैट्स वन डायनेमिक मॉडल। रिप्रेजेंट द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ओवर टाइम, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, इंटरेक्ट विद एनदर थ्रू द इवेंट एंड द ऑब्जेक्ट। कुल मिला के क्या होता है डायनेमिक मॉडल के अंदर, अब इसमें इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है।
ठीक, ये आपका होता है डायनामिक मॉडल के अंदर, ठीक है। जैसा कि बताया कि डायनामिक मॉडल के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब इंटरेक्ट करेंगे आपस में, ठीक। अब ये किस किस चीज पे फोकस करते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, हाउ मैसेज आर पास बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैसेज पास होगा किसके थ्रू होगा, कोई ना कोई इसमें मेथड अप्लाई किए गए होंगे या कोई ना कोई फंक्शन, कोई क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसके अंदर होती है, फंक्शन या क्लासेस के अंदर होती है, ठीक। सॉरी, क्लासेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनके अंदर होती है, उन्हीं के थ्रू तो रेस्पॉन्सिव बनता है आपका कोड, ठीक है। स्टेट द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। कुल मिला के क्या है, होता है कि ये बिहेवियरल या फिर डायनेमिक मॉडल है आपका। ऑब्जेक्ट की स्टेट भी बताई जाती है इस मॉडल के अंदर कि किस टाइम पे किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, वही पुराना वाला एग्जांपल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, डायनेमिक मॉडल है, वो क्या करेगा कि मेंबर ऑब्जेक्ट सेंड अ बोरो मैसेज टू अ बुक ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम अवेलेबल टू बोरो। कुल मिला के क्या है, एक मतलब एज अ कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में गया, ठीक है। अब उसने किसी बुक की डिमांड की, तो उसने क्या एक डिमांड की, एक कोई फंक्शन जनरेट हुआ होगा डिमांडिंग का। अब वहां पे लाइब्रेरियन क्या देखेगा कि वो बुक अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो प्रोवाइड करा दी जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं प्रोवाइड की कराई जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बुक का और मेंबर का सबका इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक। और ये डायनेमिक इसलिए क्योंकि अगर बुक अवेलेबल होगी तो दी जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं दी जाएगी, तो स्टेटों में भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक। ये होता है आपका डायनामिक मॉडल। इसके अंदर जो हम जनरली फोकस करते हैं, सीक्वेंस डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, एंड स्टेट डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। देन लास्ट आता है आपका फंक्शनल मॉडल, जिसको हम यूज केस मॉडल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपका डिस्क्राइब करता है डेटा इंफॉर्मेशन को सिस्टम की, ठीक है। देखते हैं, रिप्रेजेंट द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम, फोकस ऑन व्हाट द सिस्टम डज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स यूजर एक्सटर्नल एक्टर एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर। कुल मिला के क्या है, इसमें यूज केस पे डिस्कस किया जाता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल से ही देखते हैं क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, वहाँ पे यूज केस कुड क्या है, बोरो अ बुक इन्वॉल्विंग एक्टर लाइक मेंबर एंड लाइब्रेरियन एंड स्पेसिफाइंग द इंटरेक्शन नीडेड टू कंप्लीटिंग द बोरिंग प्रोसेस। कुल मिला के क्या है, जब तक बंदा मतलब जो भी स्टूडेंट है लाइब्रेरियन से किताब नहीं ले लेता, तो वहाँ पे क्या है, एक बोरोइंग प्रोसेस चलेगा। किसके अंदर चलेगा, किसके बीच में चलेगा वो प्रोसेस, मेंबर और लाइब्रेरियन के बीच में चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल एक्टर्स काम कर रहे हैं। बुक भी हमारी क्या थी, एक क्लास थी, मेंबर भी एक क्लास था, लेकिन एक एक्सटर्नल इफेक्ट क्या, लाइब्रेरियन उसमें अब क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल के बारे में, ठीक है। ये मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉडल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिस्टम डिजाइन, ऑफर सेवरल की बेनिफिट। हियर आर, यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स इसके डिस्कस किए गए हैं किस प्रकार ये मॉडल्स हमारी हेल्प करते हैं। तो जिसमें पहला हमने रखा है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर भी अभी यहाँ पे क्या है, आपके डिटेल नोट्स हैं। अब बार बार ये सारी चीज़ें आपको मतलब एज अ शॉर्ट में बताया जाएगा, और आप अपने क्वेश्चन को जितना इफिशियंट बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंटेंट है। आप जो भी चाहें इसमें, जितना भी आप ग्रैब कर पाए, वो सारी की सारी चीज़ें अपने आंसर्स के अंदर लिख के आ सकते हैं, ठीक। तो जैसे सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मॉडल अलाउ कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स बाई फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट लाइक ऑब्जेक्ट बिहेवियर एंड फंक्शन। डिजाइन कैन वर्क ऑन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम एट अ विदाउट बीइंग ओवरहेम बाय द एंटायर सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं इस चार पांच लाइनों के अंदर, कि आपको जो आपका जो कोडिंग रखनी है वो मॉड्यूलर रखनी है। मॉड्यूलर से मतलब है फंक्शनल वे में करनी है, ठीक।
हर चीज का क्या है, एक इंडिपेंडेंटली आपको मॉडल तैयार करना है, जिससे कि अगर आप पर कोई आप उस पर कोई इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं और कोई भी मॉड्यूल है वो उससे अफेक्ट ना हो, ठीक। और ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको सिंप्लीफाई करता है एक तरीके से। विजुअलाइजेशन में क्या है, मॉडलिंग टेक्निक विजुअलाइज रिप्रेजेंट दीज कॉम्प्लेक्स सिस्टम मेकिंग देम ईजियर टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेट एंड एक्सप्लेन द बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर। कुल मिला के क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि दोनों प्रकार के लोग वहां पर काम करते हैं, कुछ आपकी जो आईटी फील्ड से रिलेट करेंगे, कुछ मैनेजमेंट फील्ड से रिलेट करते हैं। अब जो मैनेजमेंट फील्ड से रिलेट करते हैं उनको तो ये पता नहीं वो क्या भाई, क्या ये यूज केस डायग्राम क्या है, कि ये कॉम्पोनेंट डायग्राम क्या है, कि ये एक्टिविटी डायग्राम क्या है। तो वहां पे क्या करते हैं हम, इनके ब्रीफ नहीं डायग्राम के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है, कि ये करना क्या चाहता है यहाँ पे, ऐसा एक्टर क्या करना चाह रहा है, या यहाँ पे कोई ये लाइब्रेरियन वगैरह इन सब के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है तो ये कैसे हो रही है, इसको विजुअलाइज बनाता है। विजुअलाइज किससे बनाते हैं, ये डिफरेंट प्रकार के जो डायग्राम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे यूनिटों में, उनकी हेल्प से हम इसको विजुअलाइज बनाते हैं, ठीक। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन से मतलब है कि अगर मैं इसको विजुअलाइज वगैरह बना दूंगा, अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो जो लैंग्वेज बैरियर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कम रहेंगे। कॉमन लैंग्वेज पहला पॉइंट है, उसमें क्या है कि मॉडल प्रोवाइड शेयर लैंग्वेज एमंग डेवलपर एनालिस्ट स्टेक होल्डर एंड क्लाइंट। डायग्राम में मॉडल लाइक क्लास डायग्राम यूज केस डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम आर यूनिवर्सली अंडरस्टैंड एंड हेल्प टीम टू कम्युनिकेट क्लियरली अबाउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन। होता क्या है कि जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री लेवल पर कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उसका एक एसआरएस तैयार किया जाता है। एसआरएस से मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक, जो कि ऐसा हम एज अ डेवलपर तैयार करते हैं जिसको कि जो क्लाइंट होगा वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसे यूज आएगा, कौन कौन से डायग्राम इसके अंदर हमने यूज किए, वो सारी की सारी चीजें जिसको कि वो इजीली समझ सकते हैं, एक तरीके से वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर क्या, फंक्शनल मॉडल एग्जांपल के तौर पे यूज केस डायग्राम हेल्प इन गैदरिंग एंड कन्फर्मिंग रिक्वायरमेंट बाय शोइंग व्हाट द सिस्टम विल डू एंड हाउ इट विल इंटरेक्ट विद यूजर एंड अदर सिस्टम। कुल मिला के क्या है ये सिस्टम और ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक, ये है। अब लास्ट आता है बेटर सिस्टम डिजाइन। बेटर सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या है कि कॉन्सेप्चुअल सिस्टम स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट मॉडल हेल्प डिफाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग क्लासेस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। दीज फैसिलिटी डीपर अंडरस्टैंड ऑफ हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम विल इंटरेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट उनके अंदर यूज हुए हैं, क्या रिलेशनशिप है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, इन सब की ये डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी हमने ऊपर भी डिस्कस की थी कि मॉड्यूल्स के अंदर अगर हम अपना जो इम्प्लीमेंटेशन फेज को कंप्लीट करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियरी रहता है हमारे लिए, ठीक है। लास्ट इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन आपको बता ही दिया है कि ये क्या होते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि कैप्सूल के अंदर आपके डेटा मेंबर मेमोरी फंक्शन को कंबाइन कर दिया जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो यूजर के यूज वाली चीजें हैं केवल वही प्रोवाइड कराइए और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको प्रोवाइड नहीं कराना है। अब डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी के बारे में, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट अगर किसी के कोई प्रोवाइड कराएगा तो वो ऐसा क्या इम्पोर्टेंस ही होती है किसी चीज की, ठीक। मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी। मेंटेनेंस मेंटेनेंस पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो आप कभी भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते तो वहाँ एक डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है कि इजीली आप अगर कहीं चेंज करते तो वो कैसे कैसे कहाँ का रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होता है कि अगर जैसे आपके सॉफ्टवेयर की कितनी क्षमता है और मैक्सिमम कितने मेंबर उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ एन यूज प्रिंसिपल लाइक इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म विच अलाउ द सिस्टम टू
स्केल एफिशिएंट, यानी कि न्यू फीचर कैन बी एडेड विद मिनिमल इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग कोड बाय एक्सटेंडिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई भी नया फीचर, कुल मिला के जैसे मैं आपको बता रहा था कि कितनी क्षमता है और क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैं कोई भी नए फीचर ऐड करता हूँ तो वो मिनिमल इम्पैक्ट के साथ कैसे कोड को इम्पैक्टिबल बनाएंगे। ठीक, अब आता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ इशू। इम्पोर्टेंस में ये भी टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि जो डिटेक्शन किसका होगा, अगर कोई बग वगैरह अगर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कुछ आता है तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। एरर डिटेक्शन में अंदर क्या है, मॉडल हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू एंड डिजाइन फ्लॉ अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस वाई विजुअलाइजिंग द सिस्टम डेवलपर कैन कैच प्रॉब्लम सच एज अ मिसमैच डेटा टाइप मिसिंग रिलेशनशिप और अनहेल्डेड एज केस बिफोर राइटिंग एनी कोड। कुल मिला के क्या होता है कि हमें उसको इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि जो एरर रिडक्शन या रिस्क रिडक्शन जैसी चीजें हैं वो हम ओवरकम कर पाए। ठीक, अब आता है हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके कॉम्पोनेंटों को कुछ इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए हमें कि उसके पर्टिकुलर उस कॉम्पोनेंट को हम बार बार यूज कर सकें। ठीक, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल अलाउ फॉर द रीयूज ऑफ क्लासेस ऑब्जेक्ट एंड पैटर्न अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम और इवन इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। दिस रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, library and framework, once model can develop, classes can be reused as a part of a library or a framework in future projects, saving time and improving consistency. कुल मिला के क्या होता है, जैसे आपने कोई software develop कर दिए, अब उसका कुछ part as a library या framework use कर लें। library framework का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ develop की, अब ऐसा कोई future में आप उसको जैसे कोई कोड आपको लिखना है और उसकी बॉयलर प्लेट, वीएस कोड के अंदर आपने देखा होगा हम जैसे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के अंदर जैसे C++ के अंदर काम कर रहे हैं तो उसकी एक बॉयलर प्लेट आती है। बॉयलर प्लेट यानी कि अगर आप शिफ्ट दबा के आप वन वाली की को प्रेस करते हैं तो बॉयलर प्लेट वहां से जनरेट हो जाती है और डायरेक्टली आपको क्या है हेडर फाइल्स नेम स्पेस मेन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती और आप डायरेक्टली मेन के अंदर क्या लिखना है वहां से लिखना स्टार्ट कर देते हो। वो क्या है, वो रीयूजेबिलिटी पोर्शन है उस कोड का। ठीक, कैसा, रीयूजेबिलिटी पोर्शन। अब बात करते हैं बेटर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से डेवलपमेंट को एक रोड मैप प्रोवाइड कराता है कि ना फ्यूचर आपको जब भी कोई कुछ उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी काम ऐसा देखना है जो अपडेशन हो या ऐसा लग रहा हो कि वो यूजर्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी पता चल रहा है, तो उन सब चीजों के लिए क्या हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। मॉडल सर्व एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ सिस्टम डेवलपमेंट गाइडिंग द डेवलपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द सिस्टम दे इंश्योर दैट द सिस्टम एंडर्स एंड एग्रीड अपॉन डिजाइन हेल्प ट्रैक प्रोग्रेस। कॉम्प्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन मॉडल्स प्रोवाइड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर विच इज वैल्यूएबल फॉर फ्यूचर डेवलपर मेंटेनेंस एंड स्टेक होल्डर टू इंश्योर द longevity of the system and easier onboarding of the new team member। कुल मिला क्या होता है, जब जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन किया जाता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों डिजाइन की जाती है, क्योंकि आज तो आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप छोड़ के जाते हो तो जो नए बंदे हायर किए जाएंगे तो ये तो है नहीं है कि अगर आप छोड़ के चले गए तो अभी प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। जो कोई नए बंदे हायर किए जाएंगे तो वो उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वो कहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या है उन सब की डिटेल आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप छोड़ के जाओगे। ठीक, जिससे कि जो भी नए मेंबर आएंगे वो इजीली डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे और काम कहाँ से शुरू करना है वहां से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ मॉडल्स के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, जो मॉडल्स के प्रिंसिपल्स होते हैं कि किन प्रिंसिपल्स के आधार पर ये मॉडल तैयार किए जाते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग आर एसेंशियल गाइडलाइंस दैट हेल्प इंश्योर दैट मॉडल आर इफेक्टिव यूजफुल एंड
वेल कंस्ट्रक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग दीज प्रिंसिपल्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। ठीक, कुल मिला के क्या होता है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल कंसिडर किए जा रहे हैं किसी मॉडल को क्रिएट करने के लिए, वो आपकी जो डिज़ाइनिंग है या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर जो भी कुछ एक्सरसाइज आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको क्या है, एक एक वेल कंस्ट्रक्ट और एक यूजफुल और इफेक्टिव मैनर में यूज में आए। ठीक, इन मॉडल्स को ध्यान रखते हुए हमने डिज़ाइन करते हैं। जैसे पहला मॉडल इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपको पहले भी बताया गया है कि ये क्या होता है कि जो यूज़र के यूज़ की चीज़ें हैं सिर्फ वही दिखाई जाए और जो भी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर दिया जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल एक एटीएम मशीन भी होती है, यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन एक एटीएम मशीन भी होती है, उसमें क्या होता है डायरेक्टली आपको कैश पेमेंट, जैसे आपको कैश चाहिए, आपने कार्ड डाला, अपनी कार्ड डिटेल वगैरह पिन वगैरह डाला, पेमेंट आ गया। अब अंदर क्या है, कैसे डेटाबेस के साथ वो मैच हुआ, आपका अकाउंट नंबर, कुछ ने कोई क्वेरी जनरेट की होगी, हाँ इनके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, कैसे 100-100, 500-500 के नोट काउंट हुए होंगे, फिर कैसे वो काउंट होने के बाद मशीन ने आपको पे किया। इन सारी चीज़ों से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट कार्ड डाला, पिन डाला, पेमेंट निकाला बस। ठीक, तो ये होता है, ये भी चीज़ हमें अपने मॉडल के अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ बंडलिंग डेटा एंड द बिहेवियर टुगेदर विद इन द ऑब्जेक्ट वाई रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉम्पोनेंट। कुल मिला के क्या होता है कि हमें अपने मॉडल को कुछ इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि उसके जो एट्रीब्यूट और जो मेथड हैं उनको हम एकजुट कंबाइन कर सकें, जिससे कि वो इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें यूज में आ सकें। ठीक, तो ये दो मॉडल हो गए। अब बात करते हैं मॉड्युलरिटी के बारे में। मॉड्युलरिटी आपसे पहले भी डिस्कस की गई थी, क्या है कि आपको जो अपना जो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन करना है वो मॉड्यूल्स के फॉर्म में डिज़ाइन करना। ठीक, मॉड्युलरिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडिंग अ सिस्टम इनटू डिस्टिंक्ट मॉड्यूल और अ कंपोनेंट दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट इंटरेक्ट विद ईच अदर। एज अ इम्पोर्टेंस क्या है कि इट इनहेंस द मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ईच मॉड्यूल कैन बी डेवलप, टेस्टेड एंड मॉडिफाइड सेपरेटली एंड लीडिंग टू मोर फ्लेक्सिबल एंड अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। कुल मिला के क्या होता है कि हम मॉड्युलरिटी में अगर डिज़ाइन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को तो क्या है, वो ईजिली तो टेस्टेबल होता है, मॉडिफेबल होता है। ठीक, और डेवलपर उसके ईच कॉम्पोनेंट को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। ठीक, अब हायरार्की। हायरार्की क्या है, कुल हायरार्की नहीं है, फिर इसको हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं कि हायरार्की इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट और क्लासेज इन टू अ स्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप सच एज इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन। कुल में आके क्या है कि हम प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं, जो हायरार्की है, हायरार्की क्या है कि आपको जो ऑब्जेक्ट क्लासेस वगैरह का एक मैनर, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट रखना है डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है, जो कि एक प्रॉपर वे अंडरस्टेबल फॉर्मेट प्रोवाइड कराए यूज़र को। ठीक, अब आता है आपका रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी वही कि आप अपने कोड को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन करेंगे कि आगे चल के फर्दर उसको आप रीयूज कर सकें। देखते हैं क्या है कि रीयूजेबिलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग मॉडल कॉम्पोनेंट और ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट दे कैन बी यूज इन अ मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट विदाउट मॉडिफिकेशन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर अ यूजर ऑथेंटिकेशन क्लास डेवलप्ड फॉर अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन बी रीयूज इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज लॉन्ग एज लॉजिक ऑफ ऑथेंटिकेट यूजर रिमेन द सेम। कुल मिला के जो यूज़र ऑथेंटिकेशन फंक्शन होता है वो चाहे हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे देख लें या कोई वेब एप्लीकेशन पे देख लें और जनरली एप्लीकेशंस में भी देख लें, तो एक ऑथेंटिकेशन तो होता है कि यानी कि लॉग इन साइन अप वाला जो पेज होता है वो हर जगह सेम रहता है। ठीक, अगर आपने जैसे आप नए यूज़र हैं तो क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। अगर आप पुराने यूज़र हैं, रजिस्टर कर रखा है, तो क्या करेंगे, आप लॉग इन करेंगे। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन वो कैसा कोड है, रीयूजेबल कोड है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक मॉडल है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी रिफर टू इंश्योरिंग दैट ऑल पार्ट ऑफ मॉडल फॉलो द सेम रूल कन्वेंशन लॉजिक अक्रॉस द सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे इफ द मॉडल यूज कैमल केस फॉर अ मेथड नेम, तो
कुल मिला के कैमल केस क्या होता है कि जो आपका नाम लिखने का तरीका होता है, नाम क्या होता है, नाम का पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल अदरवाइज सब स्मॉल, तो ये कैमल केस फॉर्मेट होता है, ठीक। तो वो क्या हर जगह सेम होना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी के अंदर आता है, ठीक। तो क्या हर चीज़ के लिए जो लॉजिक वगैरह होना चाहिए कि नाम, ऐसा नहीं है कि आपने पहला हमने लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन पेज में क्या है कि वहां पर तो आप कैपिटल में डाल रहे हैं, अदरवाइज कहीं कहा है कि आप स्मॉल्स वगैरह हर चीज जैसे भी है कि जहां मन का वहां पे आपने कैपिटल लेटर यूज किया, अगर जहां मन किया वहां आपने स्मॉल लेटर यूज किया, नहीं। अगर आपका नाम है तो वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल अदरवाइज स्मॉल, ठीक। तो वो क्या है आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक। अब बात करते हैं जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो जनरलाइजेशन क्या होती है, जनरलाइजेशन होती है आपके मॉडल की जनरल चीजों के ऊपर फोकस करना, ठीक। जनरलाइजेशन रेफर टू एब्स्ट्रैक्टिंग कॉमन फीचर फॉर मल्टीपल क्लासेस इनटू अ सुपर क्लासेस, व्हाइल स्पेशलाइजेशन रेफर टू अ क्रिएटिंग सब क्लासेस दैट इनहेरिट एक्सटेंड दोज कॉमन फीचर विद एडिशनल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, जनरलाइजेशन और आपका जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक। आई होप ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक पूरा का पूरा इस सेशन में कवर हो गया, ठीक। तो ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क्स में कि व्हाट आर द ओएमटी, यानी कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडल, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडल में वो सारी की सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी जो हमने पहले पढ़ाई है, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। थैंक यू।